तो आपको बता दें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसके साथ ही राज्य सरकार भी अपने स्तर पर योजना का संचालन करती है और इसके तहत सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। ऐसे ही योजना बिहार सरकार द्वारा भी चलाई जा रही है जिसका नाम बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है और इस योजना का कार्यवाहन बिहार सरकार परिवहन निगम द्वारा किया जा रहा है और इसके तहत गरीब ग्रामीण लोगों में जिनमें किसान भी शामिल है उनको खुद का वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा और बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2021 के तहत ग्रामीणों को बस कार और ट्रैक्टर थ्री व्हीलर आदि खरीदने के लिए 30% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है और इस योजना के लिए सरकार की ओर से समय समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और इसके तहत किसान भाई आवेदन कर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2021 और इसमें आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं और किस प्रकार इसका आवेदन करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में जानते हैं। तो आपको बता दें कि बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना साल 2018 में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू की थी और यह योजना राज्य के ग्रामीण इलाकों में रह रहे आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों का लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी और इसके तहत बेरोजगार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को पंजीकरण करके सब्सिडी दरों पर वाहन प्राप्त कर सकते थे और इनके लिए यहां पे मदद पहुंचाई जाती थी और इस योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से 421 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2021 के तहत राज्य के लोगों को अपने खुद का वाहन खरीदने के लिए 50% तक की सब्सिडी बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी 3 से 10 पहियों तक का वाहन खरीद सकता है और इसके तहत 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के नए सवारी वाहन को योग माना जाएगा और इस योजना से कई बेरोजगार व्यक्ति बस ट्रैक्टर कार आदि वाहन सब्सिडी पर खरीद कर रोजगार पा सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के नए वाहन खरीदने पर अनुदान प्रदान किया जाता है और अनुदान की राशि वाहन के खरीद के मूल्य के 50% या फिर 1,00,000 रुपए तक की होती है। अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से लाभार्थी के खातों में दी जाती है। इस योजना में आवेदन के लिए आवेदन की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और उसके पास कम से कम हल्के मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस होना जरूरी है। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा और इसके अलावा उसके पास कोई भी व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए, साथ ही लाभार्थी को उसके पंचायत का निवासी भी होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के नियम व शर्तों के बारे में। आपको बता दें कि बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में बिहार राज्य के लगभग 8,405 ग्राम पंचायतों को शामिल करने और उन्हें सहायता प्रदान किए जाने का लक्ष्य है और सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायतों में से 5 यानी कि कुल 82,025 ऐसे युवाओं को लाभ प्रदान किया जा रहा है और इस योजना में कुछ नियम व शर्तें इस प्रकार हैं जो आपको जानना जरूरी है। इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायतों के लिए वाहन की खरीद हेतु 3 अनुसूचित जाति जनजाति और 2 अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए लाभ प्रदान किया जा रहा है और प्रत्येक पंचायतों में से 5 योग्य आवेदकों का चयन इस योजना के माध्यम से किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत आवेदन पंजीकरण करने वाले लाभार्थी के पास अपनी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इस मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2021 का लाभ राज्य के 21 वर्ष से कम आयु के लोग नहीं उठा सकेंगे और लाभार्थी को सरकारी सेवा नियोजित नहीं होना चाहिए और साथ ही पहले से कोई भी व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए उनके पास। तो आपको बता दें कि बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन के लिए आवेदक को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस दस्तावेज के साथ ही आवेदन को अपनी पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी। तो यही जानते हैं कि बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। आपको बता दें कि सर्वप्रथम आवेदक को बिहार सरकार परिवहन निगम की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी उस पर जाना होगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिंक पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा और जिसमें आपको फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन सेवा पर क्लिक करना होगा और इस लिंक से डायरेक्ट वहां पे आप पहुंचेंगे। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी जैसे कि फ़ोन नंबर, पासवर्ड, ईमेल, एड्रेस, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा और इस प्रकार आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब आपको ऊपर दिए गए लॉगिन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुल जाएगा और जिसमें पूरी जानकारी आपको भरनी होगी। अब आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा और लॉगिन करने के बाद आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमें पूरी जानकारी आपको ध्यानपूर्वक भरनी पड़ेगी। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज को अटैच करना होगा। अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा
और इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाएगी। तो आपको बता दें कि बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2021 के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आपको राज्य के मानव कल्याण विभाग एवं परिवहन निगम से संपर्क करना होगा। और इसके अलावा इस योजना का हेल्पलाइन नंबर जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से जाके जानकारी ले सकते हैं। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में जो भी आपको जानकारी प्रदान की गई है वो समझ में आई होगी। तो ऐसी मेरी वीडियो बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।